हम बैक मेरे बच्चा तो अभी हम लोग कैंप के अंदर आ चुके हैं। इसका तो पता नहीं काम ही खत्म नहीं हो रहा है। अब ये उठा हुआ है तो मैं भी उठा रहूंगा, मैं भी अपना काम करूंगा। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ब्लॉग रेड हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है। अब चलते हैं घर की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमने टेंट का लगा रखा था अपना। और टेंट लगाने में तो बड़ा मजा आता है, पर इसको जब वापस पैक करना होता है ना तब थोड़ा जरा आलस आ जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पीछे देख सकते हैं आप, ये कॉटेज बना रखे हैं इन्होंने, चार कॉटेज है। एक सबसे बढ़िया तो मुझे वो लगा पीछे जो वॉच टावर बना रखा है ना, मेरा पहले मन था कि वहीं पे कैंपिंग करूं, पर फिर पता नहीं जो क्या हुआ कि नहीं नीचे ही करेंगे। हमने बोला ठीक है। तो अभी पूरा होम स्टे दिखाने से पहले मैं आप सर से मिलाना चाहता हूँ, यहाँ के ओनर है। हाय, अभिषेक सिंह मेरा नाम है। अच्छा, और पीछे आप नाम दे सकते हो, BSR फार्म्स होमस्टे। तो यहाँ पे रुके हुए थे हम, कितने टाइम पहले स्टार्ट हुआ था ये? अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हुआ है। उत्तराखंड की जो स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे स्कीम, उसमें ही ये स्पॉन्सर्ड है पूरा। अच्छा, मैं कोटद्वार रहता हूँ तो मैंने काफी सुना था, मतलब यहाँ पे पौड़ी के लोग काफी प्रमोट करते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने सर से कॉन्टेक्ट किया तो सर ने फिर बोल दिया था कि आ जाओ। और बाकी एक बार जरा थोड़ा बता देते कि कौन कौन से रूम है, क्या क्या है हमारे पास में। दो रूम कैटेगरीज है, एक बैम्बू कॉटेजेस है और एक ब्लू कॉटेजेस है, जिनको ब्लू कॉटेजेस बोलते हैं। अच्छा, तो मैं दोनों आपको एक बार दिखा देता हूं। बैम्बू वाला तो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे टेंट लगा रहा था उससे पीछे ही था बैम्बू। और ब्लू वाले कौन से? ये वाले कॉटेजेस, ये। अच्छा, तो एक बार बैम्बू देख लेते हैं पहले। उससे पहले यहाँ पे इस सेक्शन को क्या बोलते हो आप? ये कैफे एरिया या ओपन डाइनिंग एरिया है हमारा। तो इवनिंग में हम बॉनफायर वगैरह यहाँ पे एक अच्छे से इवेंट वगैरह कर लेते हैं। हमने भी कल रात डिनर और सुबह ब्रेकफास्ट यहीं पे किया बैठ के। तो एक बार रूम के अंदर ले चलते हैं आपको। ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी हे मां, एक बार जरा ब्लू कॉटेज भी देख लेते हैं। और इसको क्या बोलते हो आप? ये मचान व्यू पॉइंट। अच्छा अच्छा, कितने है? एक दो तीन, तीन एक काम कर रहा है अंदर। ये भी बढ़िया है, ये ब्लॉक से बना रखा है क्या? हाँ, तभी कैसा लग रहा है जो बैठे हुए गद्दे से ही है। वॉशरूम भी बढ़िया, हाँ काफी स्पेशियस है। ये सबसे बढ़िया कर रहेगा, ब्लोअर दे रखे हर जगह, ब्लोअर और कैटल भी हो गए। देखो कैटल वहाँ है। बाकी ये भी देख सकते हैं आप, ये डाइनिंग एरिया और ये बीच में बॉनफायर जहाँ की बात कर रहे थे हम। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, पूरे हिमालय दिखते हैं वहाँ पे। और यहाँ से घुड़दौड़ी कॉलेज भी दिखता है, देखो वो रहा घुड़दौड़ी कॉलेज। ऊपर से थोड़ा सा नीचे आके यहीं पे एक ये सेक्शन बना रखा है, जहाँ पे आपकी बढ़िया जगह गैदरिंग हो सकती है। और आप थोड़ा बहुत जिसको मन है खेलने का वो खेल भी सकता है यहाँ पे। एक तरीके से यहाँ पे पार्टी भी हो सकती है। हाँ, पार्टी 40-50 लोगों की गैदरिंग अच्छे से हो जाता है। हाँ, जिस तरीके से आप देख सकते हो ये पूरा डेकोरेट कर रखा है, मतलब दिखने में भी काफी अच्छा है। और साथ में यहाँ सोफे भी देखो कितने बढ़िया लगा रखे हैं। और वो देखो वो रही, इसकी बात कर रहा था मैं, टीटी टेबल। पूल टेबल लगाने की नहीं सोच रहे आप? हाँ, नहीं वो भी आ रही है, भी ऑर्डर कर दी है। अच्छा, तो हो सकता है एक बस महीने में आ जाएगी। टीटी के साथ एक पूल टेबल है ना, टीटी टेबल अधूरी लगती है, एक पूल टेबल भी होनी चाहिए। वो भी एक एक्टिविटी और बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो और अच्छा है लोगों को एंटरटेनमेंट। वही वही वही। तो बाकी जो यहाँ की वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगा एक, तो आप उसमें कॉल करके अवेलेबिलिटी का पता कर सकते हो कि रूम है कि नहीं है। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूंगा, वहाँ से भी एक्टिव रहते हैं ना सर। हाँ, है ना, बढ़िया। तो वहाँ भी रिस्पांस आ जाएगा आपको कि अवेलेबल है कि नहीं है। सबसे बढ़िया तो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल शांति है। एक बार लोकेशन भी एक बार ढंग से बता दो। हाँ, कहाँ पर है? मेन पौड़ी सिटी से देवप्रयाग के लिए जो रूट आता है उससे 15 किलोमीटर आप पौड़ी से चलेंगे तो खोलाचौरी विलेज आता है। अच्छा, खोलाचौरी से एक लेफ्ट साइड में थमाणा गाँव के लिए एक रोड आती है, वहाँ पर ही है। मोटा मोटा पौड़ी से कितना बताया आपने? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर घुड़दौड़ी वाले रोड, घुड़दौड़ी वाली रोड, घुड़दौड़ी से 5 किलोमीटर है। जैसे दिखाया मैंने आपको घुड़दौड़ी दिख रहा था यहाँ से। ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलके। अब अपना टेंट निकालते हैं। थैंक यू सर। चलो भाई, एंडिंग हो रही है अब ट्रिप की, इमोशनल है। नहीं नहीं, अभी एंड नहीं होगा, अभी हम क्या आप क्या कहीं और रुकना है? पौड़ी नहीं, रास्ते में हम रुकते रुकते जाएंगे बहुत जगह। फिलहाल अभी टेंट पैक करते हैं। सब खुदेड़ी वाली, खुदेड़ी वाली, सब खिजाणी वाली, खिजाणी वाली। गाड़ी में सारा सामान रख दिया है, आप होमस्टे आओगे तो भैया लोग भी मिलेंगे आपको असिस्ट करने के लिए। तो आप लोग कहाँ कहाँ से हो भैया? मैं ग्राम खोला से हूँ। यहीं स्टे करते हो आप? और आप भैया आपका गाँव है? मेरा गाँव पवाई। पवाई, कोट ब्लॉक।
पानी की छलार ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलाश जान दफनी यख बैठी अपनो सोर्यास निहारी होली तो अभी हम लोग कफूल गडेरा गांव में रुके हुए हैं। हमारी कैंप साइड से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे था ये। कल रात को मैंने जो बंद खरीदा था ना वो खाया नहीं था, तो यहीं पे ही रेस्टोरेंट था गांव में, तो वहां से दूध गर्म कराया। जब तक ये काम कर रहा है तब तक मैंने सोचा गाड़ी साफ खरीदता हूँ, क्योंकि गाड़ी में इतनी गंदगी हो रही है। पैकेट ही पैकेट हो रखे हैं चिप्स के पैकेट, ये देखो 4 पैकेट हुआ है। सीट के अंदर हर जगह प्लास्टिक की बोतलें, तो इन सब कूड़े को घर ले जाने से अच्छा है यहीं साफ कर दो, क्योंकि मुझे पता है मैं घर जाऊंगा तो एकदम तो मैं साफ करूंगा नहीं, पहले घर चले जाऊंगा तो आराम करूंगा, फिर पापा देख लेंगे गाड़ी, फिर पापा गाड़ी साफ करने लग जाएंगे, फिर कॉर्नर में कोई देखेगा उनको तो बोलेगा कि वाह सवाल जी वाह, तुम्हारा बेटा घूम के आ रहा है गाड़ी गंदी करके आ रहा है और सफाई तुम कर रहे हो, तो इससे पहले नहीं कर दूंगा। अभी जैसे कि आपको पता ही होगा मैं आ रहा हूँ उस रास्ते से जो देवप्रयाग को सतपुली से जोड़ता है, और यहाँ पे व्यास घाट है, यहाँ पे रुके हुए थे हम, और यहाँ पे 2-3 स्पॉट ऐसे आ गए ना कि मेरे को गाड़ी जबरदस्ती रोकनी पड़ी। ये देख सकते हैं आप, ये जो रेत है बिल्कुल बीच वाली रेत है, मतलब जैसे गोवा में होती है। सच में मतलब देख के अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं आऊंगा और उस साइड जाऊंगा, मेरे को अभी पता नहीं उस साइड कैसे जाते हैं, पर मैं पता करूंगा यहाँ कैसे जाना है। मतलब तो गोवा गया कभी बचपन में? गया था 2000 में, गया था 2000 में। हाँ। तो 3 साल का होगा, थोड़ा बहुत अच्छा, फोटोज तो है। इसको इसलिए याद होगा क्योंकि बचपन में रेत खाते ना लोग, तो क्या पता गोवा में सिर्फ रेत ही खा रहा हो, तो इसे मतलब गोवा का सिर्फ एक ही मोमेंट याद है जिसमें सफेद रेत थी और वो मैं खा रहा था। अपनी बातें क्यों बता रहा था? मे बी फाइनली कोटद्वार एंटर कर लिया है हमने, सिद्ध बली बाबा दिख चुके हैं हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आज तक मुझे लग रहा है लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप थी, मतलब किलोमीटर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जगहों के हिसाब से बोल रहा हूँ। तेरा कैसा था? सो मैं चाहूंगा कि स्विच में थैंक्स कहे कि सपोर्ट करने के लिए इतनी लॉन्गेस्ट ट्रिप में। हाँ ये तो है, मतलब काम करते करते भी हम चल रहे थे घूम रहे थे, तो वो बड़ी बात होती है। मैंने जितने भी ट्रिप किया ना ऐसी करे मैंने पहले भी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि यार एक जगह में रुक के कि मतलब ना एक जगह मुझे मोनोटोनस होने लग जाता है कि मैं लाइक। इसका कहने का मतलब ये है एक जगह पे रुकना नहीं है, मतलब जैसे एक जगह रुक गए वहाँ 3-4 दिन रुक गए और फिर घर वापस आ गए, ऐसा नहीं करना, अलग अलग जगह घूमते रहो, ये कहने का मतलब है कि एक दिन एक जगह रहो फिर दूसरे दिन अलग जगह रहो। तो अभी मैं भी पेट्रोल भराने आ गया था क्योंकि मैंने सुना है रेट बढ़ रहे हैं, तो 94.04 हो रखा है अभी पेट्रोल। I'm back कोई आई नहीं रहा, यात्रा करके आ रखो इतनी लंबी, यात्रा करके आते है ना वही रोड, क्या गंदगी कर रखी पूरी, ट्रेवल कर रखा भाई, ट्रेवल में ऐसे होता है जब यात्रा करके आते है ना। हाँ मंदिरों के दर्शन करके आ रखे हो तो जो तुम्हारे बैग है तुम हो, तुम्हारे कण कण में भगवान बसे हैं इस टाइम। इस बैग में प्रसाद भी है, ये आदि बद्री का प्रसाद है। अब आ चुके हैं हमारे स्वादिष्ट जवे, बस एक हाँ सॉस ले आओ। पता था ना आंटी, सॉरी फॉर द ट्रबल। ओ बाप रे, आज की वैसे ही स्पेशली बनाया है। बोला ना इसकी इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है, बाहर वाली इंग्लिश है ना, फॉरेन वाली। तो अभी घर पहुंचते ही मेरे को नला धुला के कपड़े पहना के ले गए थे अपने दोस्तों के घर। एक बार बता दो कि कहाँ गए थे हम लोग? जो लास्ट राउंड से जीते हैं विधायक की सीट पे महंत दिलीप रावत, जो तीसरी बार जीते हैं लगातार। अच्छा तीसरी बार है, मुझे लगा दूसरी बार है। नहीं नहीं तीसरी बार, वो हमारे दोस्त हैं तो उनके घर गए थे उनको बधाई देने। पर अभी तक अंकल थे नहीं यहाँ पे। हाँ लेकिन अंकल तो अभी आए नहीं, वो रास्ते में ही है अभी, पौड़ी आ रहे। पौड़ी से लेट निकले ना क्योंकि वो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है तब फिर देर हो जाती, तो इसलिए हम आगे आंटी से तो मिल के आ गए ना, होली भी खेल के आ गए। हाँ उन्होंने
तो अब मैं आ गया अपने बेड पे, और इतने दिन घूमने के बाद जब अपने बेड पे आऊँ ना तो अलग ही नींद आती है। और अभी फिलहाल इस लोगों को डिपेंड करते हैं, अगर आपको जो पूरी की पूरी मेरी ट्रिप थी वो अच्छी लगी और आपने सारे के सारे ब्लॉग्स देखे हैं तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर कोई पार्ट छूट गया है तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सारी की सारी, वो आप देख लेना, ऊपर आई बटन में आ रही होगी प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया होगा। और अगर आप नए हो इस चैनल में और आप भी मेरी तरह पहाड़ों से प्यार करते हो, आप सही चैनल पे आओ और नीचे एक लाल बटन दिया सब्सक्राइब को दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना, और अगर ब्लॉग बन भी अच्छा लगा तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में और फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसलिए अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।